ब्रेकफास्ट लाइफ में बहुत तरह के किए हैं, लेकिन ये ब्रेकफास्ट के सबसे अनोखे एक्सपीरियंस में से एक है, जहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए इतनी मेहनत करके चढ़ के आना पड़ा है ऊपर। स्ट्रीट फूड की वीडियोस तो मैं आपको दिखाता ही रहता हूँ, लेकिन आज हम आपको कुछ डिफरेंट दिखाने वाले हैं। अभी हमें बुरांशकंडा उत्तराखंड में, और यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल पहाड़ों के बीच में हम हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये अपना बंगलो है, 60,000 रुपीज एक रात का इसका चार्जेस रहता है। और यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि इधर ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे ब्रेकफास्ट हम बंगलो के अंदर करेंगे, नहीं, वैसे यहाँ पर इनका ये डाइनिंग एरिया है, ग्लास हाउस। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे, यहाँ पे भी नहीं करेंगे, ब्रेकफास्ट हम करेंगे वहां क्लिफ पर ऊपर। तो अब चलते हैं वहां, और वहां आपको दिखाएंगे इधर का अमेजिंग ब्रेकफास्ट। ऊपर चढ़ने में गाइस बहुत मेहनत की है, लेकिन यहां से जो व्यू है वो टोटली वर्थ इट है। शुरू में आपको लगा होगा 60,000 रुपए की एक रात की यहां पे स्टे होती है, कितना महंगा है। आप ये देखिए तो एक बार, मतलब ये हमारी टेबल है जहां पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे, ये सारी चीजें जो हम खाएंगे। और आप यहां से देखिए पूरा हिल साइड का व्यू आ रहा है, 360 डिग्री व्यू है। आप किधर भी देख लीजिए, उतना ही अच्छा लगेगा आपको। मतलब इतनी जगह ब्रेकफास्ट किया है, बट ऐसा ब्रेकफास्ट मैंने पहले कभी नहीं किया है। और सबसे अच्छी बात, शांति कितनी है यहाँ पे, आपको बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस आ रहा होगा, मेरी आवाज के अलावा कोई आवाज नहीं है यहाँ पे। ये पीछे जो आप बंगलो देख रहे हैं, ये अपना बंगलो है, यहाँ से आपको ज्यादा बेटर दिख रहा होगा। अब ब्रेकफास्ट ट्राई करते हैं, दिखने में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। स्टार्ट करेंगे जूस से, तो वी हैव ऑरेंज जूस। ये थोड़ा मैंने पहले ही पी लिया था वीडियो बनाने से। उसके अलावा व्हाट डू वी हैव फ्रेश फ्रूट्स, ओट्स है, वी हैव आलू पराठा, बेक्ड बीन्स, पोहा, वी हैव मोर फ्रेश फ्रूट्स एंड मोर फ्रेश फ्रूट्स। तो फ्रूट्स की आपको कमी नहीं होने वाली है। आपको दूध चाहिए तो दे हैव मिल्क एज वेल। दूध को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कॉर्नफ्लेक्स भी है, चोकोस भी है, दे हैव मल्टीग्रेन ब्रेड्स। और डेजर्ट में जब आप अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट कर लें, उसके बाद दे हैव दिस वेरी नाइस लुकिंग कपकेक्स। स्टार्ट करेंगे बेक्ड बीन्स के साथ, जो कि मेरे को वैसे बहुत अच्छी लगती हैं। और आपको लग रहा होगा कि चीज़ें कम है, तो कम नहीं है, ये तो यहाँ पे सर्व होता ही है। इसके अलावा अगर आप कुछ बनवाना चाहें, आपका कुछ भी खाने का दिल कर रहा है, तो शेफ इज राइट हियर, किचन इज राइट देयर। आप जो बोलेंगे वो तभी फ्रेश आपके लिए बन जाएगा। वैसे यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं, मेरा पेट तो इनसे ही भर जाएगा, इनमें से भी मैं सारी ट्राई नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने जो लेना था वो अपनी प्लेट्स में ले लिया है, उसके अलावा मैं सारे फ्रूट्स खाऊंगा। आप में से बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि व्यू अच्छी है, खाना दिखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन 60,000 रुपए फिर भी बहुत ज्यादा होते हैं एक रात के लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो बंगलो है, इसके अंदर 3 रूम्स हैं, इसमें 6 गेस्ट रह सकते हैं, तो टोटल 6 लोगों के लिए होता है। पर पर्सन 10,000 पड़ेगा, और उस 10,000 में स्टे इंक्लूडेड है, तीनों टाइम्स की मील्स इंक्लूडेड है, और यहाँ पे जो लाइव एंटरटेनमेंट होता है वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। तो कॉस्टली तो मेरे को बिल्कुल नहीं लगा। जो बेक्ड बीन्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, पोहा भी देख लिया जाए, पोहा इज ऑल्सो वेरी नाइस। और खाना जितना अच्छा है, उससे ज़्यादा अच्छा मेरे को इसलिए लग रहा है क्योंकि व्यू इतनी प्यारी है, जिधर को भी देख रहा हूँ इतना अच्छी व्यू आ रही है यहाँ पे। तो ये प्रॉपर्टी, यहाँ का खाना मेरे को टोटली वर्थ इट लगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या आप अपने 6 दोस्तों के साथ 60,000 रुपए पे करके यहाँ रहना चाहेंगे? मेरे अकॉर्डिंग तो आपको बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि जो कुछ आपको वीडियो में दिख रहा है, समझ लीजिए वो 10% भी नहीं है। यहाँ पे जो कैंडल लाइट डिनर होता है वो इससे बहुत अच्छा होता है, जो प्रॉपर्टी है अंदर से वो और भी अच्छी है। अगर आप चाहते हैं मैं आपको पूरी प्रॉपर्टी का टूर दूं और यहाँ का ओवरऑल एक्सपीरियंस दिखाऊं, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री।